हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ गट्टे की रेसिपी शेयर करूंगी और गट्टे मैं आज दूसरी तरीके से बनाऊंगी। इसके पहले मैंने बनाया था हींग जीरे के साथ। आज मैं इसमें प्याज डालूंगी, लहसुन डालूंगी, अदरक नहीं डालूंगी। गट्टे मैंने उबाल लिए हैं, अब मैं इनको छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े पहले काटूंगी और फिर इसको मैं पहले फ्राई करूंगी। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है और यहाँ पर मैंने गट्टों को छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं। सबसे पहले हम इन गट्टों को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा तेल गर्म हो गया है, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फ्राई करके इनको पहले हम निकाल लेंगे। आज हमारे पक रहे हैं और इधर मैंने जो है दही का मसाला बना लिया है। मैंने दही के अंदर सारी मसाले मिक्स कर लूंगी। पहले मैं यहाँ सॉफ्ट हो गए हैं और मैंने जो है अब दही के अंदर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और कुछ लहसुन कूट के इसके अंदर डाल दिया है, जो कि मैं अभी इसमें प्याज के ऊपर डाल दूंगी इसको, क्योंकि हमने दही डाला है तो हम इसको चलाते रहेंगे ताकि हमारी दही फटे ना। जब तक ये दही जो है अच्छे से पक ना जाए तब तक हमें इसको चलाते रहना पड़ेगा। आप देख सकते हैं दही में उबाल आ गया है। अब हम इस मसाले को अच्छे से पका लेंगे, जब तक कि दही तेल ना छोड़ दे तब तक ये हमारा पकता रहेगा। मसाले ने तेल छोड़ दिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और ये जो गट्टे फ्राई किए हुए रखे हुए हैं वो इसमें डाल देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी हम नहीं करेंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब हम जो है इन गट्टों को इसके अंदर डाल देंगे और इनको अच्छे से पकाएंगे। अब हम इन गट्टों को इसके अंदर पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर।